गौरव भाटिया जी, जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर बहुत जोर है, क्या इसलिए क्योंकि एजेंसियों के दुरुपयोग का इस्तेमाल विपक्ष लगातार आपकी पार्टी आपकी सरकार पर लगा रहा है? सबसे पहले तो अंजना जी, आपको, यहां सभी प्रवक्ताओं को और पूरे देश में हर भारतीय को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज प्रधानमंत्री जी ने पुरुषार्थ की भी बात करी थी, आज उन्होंने ये भी बात करी थी कि लोकतंत्र में दानव और राक्षस कौन है, जो जनता का रुपया लूटे, जो उनकी गाड़ी कमाई है जो राजकोष में जानी चाहिए उससे भ्रष्टाचार करे, और उस पे किसी ने हनुमान जी की गदा से प्रहार किया है तो वो ईमानदार, कर्मठ, कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कल ही की बात है अंजना जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। देखा है पहली बार सारे भ्रष्टाचारियों में इतना प्यार, और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, उनको पता चल गया कि केवल संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नैतिकता बढ़ाओ, ईमानदारी बढ़ाओ, जनता के प्रति जो समर्पण है वो बढ़ाओ। और ये भी सत्य बात है, शुरुआत पहले कांग्रेस पार्टी से कर लेते हैं, भ्रष्टाचार की कोई जननी है, क्राइम मास्टर गोगो कोई है, गरीब का रुपया लूटूंगा, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है सबसे पहले। क्यों? भारत की राजनीति में एक परिवार के तीन सदस्य बेल पर बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पर, कांग्रेस पार्टी, नंबर वन सोनिया गांधी, नंबर टू राहुल गांधी, तीसरा रॉबर्ट वाड्रा। दूसरा, ये वो कांग्रेस है दोगली, आप देखिए मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, कांग्रेस पार्टी कहती बहुत अच्छा किया ईडी सीबीआई ने, ये ठीक था, लेकिन जब पूछताछ हुई राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, तो कहते ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये सत्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कल दो बड़ी बातें कही? उन्होंने कहा कि कोई वीवीआईपी कल्चर चलेगा नहीं, अलग कानून नहीं होगा अगर भ्रष्टाचारी नेता हो तुम, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर तुम्हारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, जनता तुम्हारे लिए वोट नहीं कर रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, जनता के बीच में जाओ, ठीक है। और इसीलिए मेरा पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से यही है, आप ये बताइए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो तो सही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी पे हो गलत है, ये कैसे मापदंड है? या तो सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, या नहीं कर रही है।